लोग साउथ में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। मैं सबक में जो तेलंगाना का असेंबली का इलेक्शन था उसमें बताऊंगा, आलेर में टीआरएस गवर्नमेंट का कैंडिडेट फर्स्ट, दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस का है, तीसरे नंबर पे अंबेडकर नेशनल कांग्रेस है और चौथे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी। आप देख सकते हैं आलेर, तेलंगाना के इलाके का आलेर का देख सकते हैं। ये जो दिल्ली में आपने जो है एमसीडी के इलेक्शन में जो हिस्सा लिया और इत्तेहाद कायम किया, इस पूरे मामले में आपकी जो पहल रही है काफी सराहा गया कई सर्किल में, तो आपको नतायज तो कोई बरामद हुए नहीं एक उसकी शक्ल में, सीट की शक्ल में, लेकिन आप इस इत्तेहाद से आपको क्या अचीवमेंट क्या हुआ? देखिए इत्तेहाद न सिर्फ मुसलमान बल्कि और भी सियासी जमातों से हमारी कोशिश थी और हमारी ये कोशिश थी कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, साफ जहन रखते हैं, आपस में टकराव होने के बजाय अगर हर इलाके के एक एक अगर कांस्टर आ जाता है तो उसमें बुरी बात क्या थी। इसके लिए चूंकि पहले हमने 100 सीट का ऐलान किया था अम्बेडकर ने सरकार करने, जब कई सियासी जमातों ने हमसे मुलाकात की, हमने कहा हमारी कोई ऐसी बेहद नहीं कि हम 100 सीट खड़ाएंगे, आपके साथ काम करेंगे। तो उसी बिना कबर उस साफत वालों की कोशिश है, उसकी वजह से जो है ना इतिहास अलहमदुल्ला कामयाब हुआ। हमने कहा आप 100 सीट नहीं लड़ेंगे, पहले आप जहां सीट लड़ेंगे उसके बाद हम सीट लड़ेंगे। इस तरीके से हमारी पार्टी ने उनको कन्विंस किया, माशाल्लाह वो लोग कन्विंस हुए तो नतीजा आपके सामने है। और छोटा सा पीरियड था, मुख्तसर पीरियड में कम से कम अल्लाह मियां ये एहतियात तो पैदा कर दिया, एक दूसरे को सुनने के आदि हो गए, समझने के आदि। अच्छा, हम चाहते हैं कि अखिलेश फिर पावर में आ जाए और समाजवादी पार्टी के लिए हम जो आगे बढ़े हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जितनी मुस्लिम सियासी जमातें हैं उसको तबाह बर्बाद करने में कांग्रेस का बड़ा बहुत रहा। पूछते अब भी खुश नहीं आएंगे, हम पे कोई पाबंदी नहीं, हम पे कोई पाबंदी नहीं, हिंदुस्तान तो बोल हमारे शहर के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।